नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपसे एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है और जो बात हम करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है चींटियों से। चींटियों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें पैरों के तले कुचल देते हैं और उनको काटने वाले दुष्टों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। पर आपको आज बता दें दोस्तों, चींटी बहुत ही मेहनती प्राणी होते हैं, एकता से रहने वाले जीव होते हैं। चींटियों के बारे में इवन वैज्ञानिकों ने कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती है, नगर बनाती है, भंडारण की सारी व्यवस्था करना जानती है, नेटवर्क की दुनिया के अन्य नेटवर्क से ये बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये मिलकर के एक पहाड़ को काटने तक की क्षमता रखती है और चींटियां हमारे शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, हम चींटियों की क्या क्या बातें करें। चींटियां बहुत योग्य होती है और हमारे जीवन को एक पथ प्रदर्शक की तरह भी बतलाती है। अगर आप देखते होंगे, जब भी कोई मनुष्य निराश होने लगता है, असफलताओं से घिरने लगता है, घबराने लगता है, तो उसको समझाया जाता है, या जब भी मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते होंगे उसमें चींटियों की तरह पहाड़ चढ़ने की उपमा जरूर दी जाती है। जब भी चींटियां दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, पर फिर भी वो चढ़ती जाती है, तब तक नहीं बैठती जब तक वो दीवार को पार न कर लें। जब भी आप देखते होंगे सक्सेस के कोर्स हैं, उसमें चींटियों की फोटोज बहुत सारी होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको भी जीवन में बार बार असफलताएं मिल रही है, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ रहा है, आप हारने लगे हैं, तो आपको भी चींटियों की तरह अपने मनोयोग्य को, निष्ठा को और मेहनत को बढ़ाना चाहिए। मेहनत से काम करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं तो अब इनसे डरना नहीं है। आपको आज हम बताने वाले हैं कि चींटियां आपके जीवन में शुभ योग लेकर आती है कि अशुभ योग लेकर आती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाती है, कौन सी चींटियां आपके जीवन में निगेटिविटी भर देती है। दोस्तों, अगर आपके भी घर में चींटियां हैं, आपकी रसोई में चींटियां हैं, आपके गार्डन में चींटियां हैं, तो आप लकीर के फकीर भी हो सकते हैं या फिर किस्मत के धनी भी। हो सकता है दोस्तों कि आपके घर में एक भी चींटी ना हो, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं कि चींटियां हमारे घर पर बिल्कुल भी दिखाई ना दे सकें। और हो सकता है कि आपके घर में चींटियों की तादाद भरी हुई हो। तो दोस्तों, अगर आपके घर पर चींटियां हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर ज्योतिष में चींटी को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि ये चींटियां कैसे आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत, आपके सेहत पर बहुत असर डाल सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में ब्राउन कलर की चींटियां ज्यादा है या काले रंग की, क्योंकि यही बताएगा आपका किस्मत कनेक्शन चींटियों से। हमारे धर्म में परंपरा आती है कि 84 लाख योनि में बार बार मनुष्य घूमता है। मृत्यु के उपरांत 84 लाख योनि बुरे कर्म करने वाले को भुगतने पड़ते हैं। हर जीव में प्रभु का वास होता है। दोस्तों, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पर काली चींटियां भी एक तरह से विष्णु भगवान का ही वास मानी जाती है, और ग्रहों में शनि का अधिपत्य इन काली चींटियों के ऊपर ही माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो, वैकुंठ में श्री विष्णु भगवान का आपको सानिध्य प्राप्त हो, तो आपको चींटियों को चावल का आटा डालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य वैकुंठ लोक में जाने के बाद आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता, पृथ्वी पर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग चावल को चीनी मिला करके चूर्ण बनाकर चींटियों को आटा डालते हैं, उनको दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। कितना भी दुर्भाग्य हो आपकी कुंडली में या कोई दोष हो, चींटियों को अगर आपने चावल का आटा डाल दिया तो आपका सौभाग्य बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य मिनटों में सौभाग्य में बदलने लगता है और परिवार में सुख शांति और सामंजस्य बना रहता है।
अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही है, जीवन में बाधाएं आती जा रही हैं, तो दोस्तों ये चींटियों का एक छोटा सा उपाय कर लें। आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं जो आपकी उन्नति में आ रही हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको करना है एक छोटा सा काम, चींटियों को नारियल का सूखा बूरा जो होता है, नारियल का सूखा पाउडर, आप चाहें तो उसको घर पर भी बना सकते हैं। सूखे नारियल को काट काट कर उसका पाउडर बना लें और उसको थोड़े से चीनी के साथ मिक्स करके चींटियों को डालें, तो दोस्तों निश्चित रूप से सभी प्रकार की जो निगेटिव शक्तियां आपके जीवन में वास कर रही हैं या आपके घर में आसपास है, वो सभी आपसे दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाता है। दोस्तों आप खुद देखेंगे, थोड़े दिन चींटियों को अगर आप आटा डालने लगेंगे तो आपके चेहरे का प्रकाश तक बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाते हैं तो आपकी नौकरी के एक और अच्छे योग बनने लगते हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपकी नौकरी बार बार चेंज होती है या आपको काफी लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो बादाम के पाउडर में चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलाएं और आप देखेंगे अगर आप जॉब में नहीं है, बिजनेसमैन है, तो आपके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा चढ़ गया है तो वो भी उतर जाता है। सिर्फ बादाम के पाउडर में आपको चीनी मिक्स करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगी और कौन से रंग की चींटियां आपके जीवन में सौभाग्य लेकर के आती है, या फिर आपको चींटी अगर सपने में दिखने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों बात करते हैं ग्रह दोषों की। शनि, राहु, केतु, इन सभी को हम पापी ग्रह मानते हैं और इन सभी पाप ग्रहों का निवारण चींटियां कर सकती है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को चींटियों को आटा जरूर देना चाहिए। शनि की महादशा हो, साढ़े साती हो, ढैया हो, कुदृष्टि हो, तो आपको भुने हुए आटे में जैसे हम पंजीरी बनाते हैं वैसे भुने हुए आटे में चीनी मिला करके चींटियों को खिलानी चाहिए। दोस्तों इससे उन्नति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती है और सक्सेस का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दोस्तों काफी बार आप देखते होंगे कई लोगों के सर में डैंड्रफ हो जाते हैं और काफी दिनों तक आप देखते होंगे कि डैंड्रफ निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने स्किन स्पेशलिस्ट से उपाय कर लें, कितने घरेलू उपाय कर लें या दवाइयां लगा लें, दोस्तों ऐसा तब होता है कि लोगों के सिर में अचानक से खूब सारी रूसी या डैंड्रफ होती है और इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता, तो ऐसे लोगों पर राहु की कुदृष्टि होती है, हर काम में रुकावट आती है और संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आपको चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। अगर आपका राहु कमजोर है तो ये जरूर करें, और अगर शुक्र ग्रह कमजोर हैं या अस्त हैं या फिर कन्या राशि में बैठा है तो आपको हर शुक्रवार को चींटियों को शक्कर जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच में है या तुला राशि में बैठा है या सूर्य कमजोर है तो आपको हर रविवार को चींटियों को खीर बना करके खिलानी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर केतु आपके ऊपर अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, आप इससे संबंधित बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको 43 डेज तक एक छोटा सा उपाय करना है। आटे की पंजीरी बना ले, आटे को भून ले, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आटे की पंजीरी बना ले और चींटियों को रोज डालें। इसके अलावा केतु के प्रभाव से बचने के लिए आप काले और सफेद कंबल का भी दान कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित समस्याएं आ रही है तो दोस्तों पितृपक्ष में इससे खूबसूरत दूसरा उपाय नहीं होगा। पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय आपको पितृपक्ष में भी करना है और इसके बाद हर अमावस्या तक करें। घर में जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से थोड़ा भोजन चींटियों को जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से अगर आपके सभी काम बिगड़ रहे हैं, आप जबरदस्त ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो आपको चींटियों को मीठी रोटी बना करके खिलानी होती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय हम बता रहे हैं। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। दोस्तों चींटियां दिखने में बहुत छोटी होती है, वो बहुत छोटी होती है पर इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस संसार में जो लोग चींटियों को समझ लेंगे कि वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती है, वो जो संकेत देती है, शुभ संकेत और अशुभ संकेत, वो दोनों ही देती है।
अगर कोई आदमी ध्यान से उन्हें देखें तो इनको समझ सकता है। आपको बता दें कि जिस घर में काली चींटियां दिखने लगे तो समझ लीजिए भाग्योदय होने वाला है। डेफिनेटली आपको फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, पर अगर फिर भी उसके बाद भी चींटियां निकलने लगे तो ये शुभ संकेत है और आप इस बात को मान लें कि आपका भविष्य उजागर होने वाला है, आपका नाम दसों दिशाओं में फैलने वाला है। दोस्तों, सुख और ऐश्वर्य आपके घर पर निवास करेंगे। अगर आपके घर की छत पर या दीवार पर काली चींटियों की कतार दिखने लगे तो समझ लीजिए आपकी आमदनी और उन्नति बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगर घर में लाल चींटियां दिखने लगे और स्पेशली अंडा लेकर के चलते हुई दिखाई दें तो समझ लीजिए कि बड़ी परेशानियां और विपदाएं आपको घेरने वाली है, बड़ा नुकसान होने की संभावना है, घर में रोग और कलह बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं और नींव खोदते समय चींटियां निकल जाएं या चींटियों की बांबी दिखाई दें तो इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में चींटियों को शक्कर और आटा खिला देना चाहिए और जब वहां चींटियां खत्म हो जाए तब वहां मकान की नींव डालनी चाहिए। दोस्तों, एक से एक उपाय होते हैं चींटी के। और अब आपको बता दें, आपको सपने में कभी चींटी नजर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर आपको सपने में कम चींटियां दिखें तो समझ जाएं कि ये आपके धन लाभ के संकेत हैं। लेकिन अगर बड़ी तादाद में चींटियां दिखने लगे तो हो सकता है आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, सपने में भी चींटी को नहीं मारना चाहिए। चींटियों को मारते देखना सफलता ना मिलने के संकेत है। और सपने में तो क्या, अगर घर में भी चींटियां हो जाए तो चींटियों को भूल से भी जान बूझ करके ना मारे। चींटियों को मारना भाग्य को दुर्बल बनाता है, दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको अपने घर पर चींटी दिख जाए या फिर किसी के घर जाए वहां चींटी दिख जाए तो उनको बता दें कि वो लकी है। आपके घर में चींटी दिखना अब आपको टेंशन नहीं देने वाला है। आप चींटियों को देखकर खुश हो सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से सभी को ये इन्फॉर्मेशन जरूर भेजें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें। वैसे भी बहुत रोचक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चींटियां इतने काम की होती हैं सक्सेस में। तो बहुत सारी मोटिवेशनल कोट्स में हम चींटियों की अक्सर बातें सुना करते हैं, पर ज्योतिष में इनके इतने सारे फायदे होते हैं ये हम किसी को भी पता नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।